हूँ आओ अज जो त्यौहार है ना लोहड़ी, ये लोहड़ी भी थोड़ा समझ लीए असं, लोहड़ी भी समझ लीए। वैसे तो दसें लोहरी, इनू लोहरी भी कह देंगे है कि हरी नू पान का टाइम होंदा है, हरी नू प्राप्त करन दा वेला होंदा है, कि अगर उस मालिक ने जिंदगी दिती है, जीवन दिता है, तो असी वो कर्म करने है कि सानू साडे मालिक दियां वो रहमत मिल सकन। और जिदा कबीर साहब ने कहा कि नाम जपन वाला कोई भी अगर विश्वास नाल शरदा नाल अपने मालिक नू याद करता तो भी चंगा हो जाता है। तो जे कंचन वर्गी सोहनी देही होवे और अपने रब ते विश्वास ना करे, अपने रब नू याद ना करे, तो जल्दी वो भी रोगी होके नष्ट हो जाती है। इसलिए अगर तुहाडे जीवन च भी कोई तकलीफ है, दुख है, कोई बीमारी है, किसी तरह की भी परेशानी के हालात है, तो एक गल हमेशा याद रखना कि जदों जीवन मुश्किल है, परेशानी है, तो हुण समा है अपने मालिक नू याद करन दा, अपने मालिक ते विश्वास करन दा। जिदा मौलाना रूमी ने कहा सी, किसी ने पूछा कि महाराज जो तुहाडे जीवन च कोई मुश्किल हालात आते हैं, कोई परेशानी आती, तुसीं की करदे हो? तो मौलाना रूमी कहिंदे, जो मैनू लगता है कोई मेरे सामने मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मैं थोड़ी देर वास्ते दुनिया नाल टुट के इबादत ते बह जाता, अपने रब नाल जुड़ जाता। जरा हुण याद करना है, इहनू कहिंदे 10 मिनट, जदों लगे ना मन परेशान है, कोई सुझाव नहीं मिल रहा, तो 10 मिनट वास्ते अखां बंद करके अपने कनैक्शन को अपने मालिक नाल जोड़ लो, परमात्मा नाल जोड़ लो। फिर उन्हों कहो कि आ मेरे मालिक का मुश्किल है, ये मुश्किल जो निकलना मैनू रास्ता दिखा, मेरी मदद कर, क्योंकि इस वेले मैनू तेरी रहमत की जरूरत है। मौलाना रूमी कहते हैं, फिर वो 10 मिनट यानी वो कुछ पल जो मैं अपना ताल्लुक अपनी सुरती अपने यार नाल जोड़ता हाँ, 10 मिनट बाद अखा खुलता, तो मैं वो परेशानियाँ छोटियां लगनियां शुरू हो जाती और हल मेरे सामने आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हर मुश्किल का हल तुहाडे कोल होवे ना होवे, उहदे कोल हर मुश्किल का हल है, पर उहनू जदों असीं विश्वास दे नाल याद करते हैं तो साडी मदद करन वास्ते आंदा भी जरूर है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए अगर उहदी रहमत नूं उहदी बख्शिश नूं पाणा है तो वैसे दसांगे इह लोहड़ी नूं समझ लो। फिर कितना समझना है कि एल ओ एच आर अगे की हुंदा है आई, की बनता है लोहड़ी। हुण ये जिहड़े 5 अक्षर है ना, ये 5 अक्षर इशारा करते हैं सानू साडे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। पहला है एल, जो इशारा करता है अंदर की तरफ कि एल तो वो कहिंदा लर्निंग, यानी हमेशा सीखण की भावना रख, क्योंकि कुदरत विच बहुत कुछ सीखण नूं है। और जिहड़ा हर वेले लर्न करता है ना, सीखण की कोशिश करता है कि मैं सत्संग चो कुछ सीखा, मैं कायनात तो कुछ सीखा, संसार तो कुछ सीखा, जितों भी मैनू कोई ज्ञान की गल मिलती है, जितों भी मैनू कोई अच्छी गल मिलती है, उन्हूं सीखा, समझा और अपने जीवन पर लागू करा। जरा हुण गौर करना, इसलिए लर्न करने वाला बंदा, सीखण वाला बंदा जीवन च हमेशा कामयाब होंदा। इसलिए अपने आप नूं अपने अंदर एक गुण पैदा करना है कि अंदरों असी सीखण की भावना रखनी है, तो बाहरों एल की अक्षर दिंदा है लविंग, प्यार करने वाला। बोलो समझदे हो कि नहीं? यानी अपने अंदर एक गुण पैदा करना है सीखण दा। जिदा हुण सत्संग च बैठे हो तो यह ना सोचो कि बस सुनना ही है, बल्कि यह सोचो मैं कुछ सीखना है। सीखण दा मतलब हुंदा कुछ सीख के जाना है, कुछ समझ के जाना है, ताकि मेरे जीवन च बदलाव आवे, ताकि मैं बदला, मेरा जीवन बदले, और अज जो मैं हाँ इस तो मैं बहुत अगे जाना है, क्योंकि मेरी मंजिल आ नहीं है जिथे मैं बैठा हाँ, मेरी मंजिल बहुत अगे है, और अगे उ पहुँचता जिहड़ा हर वेले सीखण नूं तैयार है, समझण नूं तैयार है। समझदे हो कि नहीं? हुण एक बच्चा सोचे मैं 5वीं जी बैठा रहना है तो उन्हूं कोई सीखण की लोड़ नहीं है, पर जे बच्चा सोचे मैं MA करनी है, BA करनी है, बहुत बड़ी डिग्री लैनी है, तो फिर उन्हूं जिन्ना ज़्यादा सीखता जाएगा उन्नी बड़ी डिग्री भी। समझदे हो कि नहीं? इदां ही अपने अंदर भावना रखो। जिहड़ा कई बंदे कहिंदे सानूं सत्संग सुनन की की लोड़ है, सानू संतां फकीरां दे बचन सुनन की की लोड़ है, सानूं तां सब कुछ पहले ही पता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण उह लर्न नहीं करदे, उहनां अंदर अहम हुंदा, अहंकार हुंदा है, फिर उहनां दी समझ भी सोच भी उत्थे की हुंदी है। इसलिए पहला एल तो अपने अंदर की करना है, किहड़ा गुण पैदा करना है, लर्निंग दा गुण, और बाहर दूजिया वास्ते किहड़ा गुण रखना है, लविंग यानी प्यार करने वाला, कि मैं सबना प्यार करना है। बोलो करना है कि नहीं? हुण जरा चैक करो, किसी ने नफरत तो नहीं करते तुसीं? अगर करते हो तो अज तो ये नफरत वाला गुण खत्म कर दो, क्योंकि
ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬਾਪ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਪ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਗੁਣ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਵਿੰਗ ਦਾ ਗੁਣ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ 12 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੇਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੇਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਖੇਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 9 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੋਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਊਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 6-7 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਮੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁ ਹੋਣਾ, ਦੁਖੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 6 ਘੰਟੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਦ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਲਵੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿੱਦ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਟ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖੇਲਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਲਿੱਦ ਆ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਘੋੜਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਘੋੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਹਟਣਾ ਮੈਂ, ਹਟ ਜਾਓ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ।
इनू कहिंदे एक आशावादी है एक हुण तुसी किहड़े हो लगदे तां निराशावादी है ना तां ही घर च सब कुछ हुंदा दाणे भी हुंदे है डब्बे भरे हुंदे है समान नाल कपतजोड़ियां भरियां हुंदियां है कपड़े दे नाल यानी सेफा कपड़े भी है जुत्तियां भी है दाने भी है आटा भी है चावल भी है सब कुछ घर च हुंदा है पर फिर भी निराश हो गए दाने मुक गए फिर की बनूंगा पैसा मुक गया फिर की बनूंगा आ चीज चली गई फिर की बनूंगा आ बच्चे का कम ना होया की बनूंगा यानी उत सोच सोच के निराश होकर दुखी होकर अपनी जिंदगी उन्होंने पलों जो आनंद ले सकते हैं असं उन्होंने पलों भी दुख में ही गुजार देंगे भुल जाते कि रब ने सानू टाइम दिता है ये कुछ सुहास दिते है ये जीवन के कुछ साल दिते इन्हों का आनंद ले लो इन्हों का मजा ले लो पर असी चिंतावान ये पल सारे गुआ देंगे तो जे आशावादी होंगे दूजे बच्चे की तरह होंगे वो कहता बंद करो दरवाजा मैं हाले होर लभण दौ वो लिद चक जाके मार रहा है कि घोड़ा लभना ही है हुण आशावादी की करते हो मुझे जो मर्जी रखते होते भी आनंद लैन का जरिया लभ लैंदा है वो कहता तुसीं हालात जिदा के मर्जी पैदा कर दौ क्योंकि हालात बाहर है खुशी आनंद मेरे अंदर है और मेरे अंदरले आनंद नूं बाहरले हालात खत्म कर ही नहीं सकते ये आशावादी जिदा एक गुलाब नूं तुसीं चाहे ना कूड़े के ढेर से रख दौ एक गुलाब नूं चाक के चाहे गंदगी के उपर रख दौ वो गुलाब के महक अंदरों आती है वो अंदरली महक नहीं खत्म होनी क्योंकि महक वो अंदर है इसी तरह आशावादी इंसान जो अंदरों हुंदा है वह हर तरह के हालात में भी की करता है खुश रहता है वह कहता मैं निराश क्यों होवां ठीक है हालात बाहर बुरे है पर मेरा मालिक मेरा रब मेरा ईश्वर और मेरिया खुशियां मेरा आनंद का दाता मेरे अंदर है तो जे वह मेरे नाल है तो खुशी मैं लभ ही लैनी है आनंद मैं लभना कि नहीं तुम इसलिए अज तो निराश की बनना है आशावादी ऑप्टिमिस्टिक आशावादी बनना अंदरों जितने मर्जी होन कभी ना उम्मीद नहीं होना कभी निराश नहीं होना यह यकीन रखना कि अज तकलीफ है तो मैं यकीन है खुशी भी कामयाबी भी बस ये अंदर विश्वास रखना है कभी हालातों को देख के अज हार होगी तो की होया मैं यकीन है जित भी मेरी कामयाबी मैनू जरूर मिलेगी इनू कहिंदे आशावादी जो हमेशा आशा उम्मीद विश्वास रखता है कि मेरा मालिक मेरे नाल है तो सब ठीक होएगा बोलो समझ दिओ कि नहीं ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक अपने वास्ते ता ओपन माइंडेड या ओपन हार्टड दूजिया वास्ते खुले दिल वाला किनू कह दिंदे आ मेरा समझना सारिया ने जिहड़ा किसी चीज़ की परवाह नहीं करता ओपन हार्टड बनो ओपन माइंडेड बनो कि मैं अपने माइंड को ओपन रखना है कि जितों अच्छा मिलता करना और मैं किसी ना कोई जिदा होंगे ना कोई जात पात कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव लेके बैठे रहते हैं कि ना दिल बड़ा छोटा जिहा जिथे किसी वास्ते जगह ही है नहीं क्योंकि कहा जाता कि रब साडा बड़ा घर देख के नहीं आता रब साडा बड़ा दिल देख के आता है उस ओदियां रहमतां साडा बड़ा दिल देख के आता आंदियां है और जिहदा दिल बड़ा होवे फिर रब दियां रहमतां समांदियां भी उत्थे ही है इसलिए चैक करो कि दिल छोटा या बड़ा है कहते कद बेशक छोटा होवे घर बेशक छोटा होवे पर दिल बड़ा होना चाहिए है जिदा हज़रत अली जदों आ रहे सी सामने हो तो हज़ूर मुहम्मद साहब बैठे हुए सी हज़रत अली नूं आंदे देख के कहते वो आ गया बड़ा तो हज़रत अली का कद मदरा सी तो कोल एक साहबी बैठे कहते इन्हों की कद तो छोटा है तो हज़ूर ने मुस्कुरा के कहा असी उहदे कद की गल नहीं कर रहे असी उहदे दिल की गल कर रहे हैं इसलिए जे मैं इलम का शहर हाँ तो अली उहदा दरवाजा है क्योंकि इहदा दिल बहुत ताही तो शेर दिल कहा गया शेरे खुदा कहा गया हुण तुसीं भी जरा गौर करना अपने दिलों नूं चैक करो कई बार छोटी छोटिया चीज़ा करके ना साडा दिल बड़ा छोटा जिहा हो जाता छोटा दिल किदां हुंदा है कोई नुकसान हो गया हाए मैं मर गया समझदे हो कि नहीं माड़ा जिहा किसी चीज़ का नुकसान हो गया कोई चीज़ टुट गई कोई चीज़ भज गई या कोई वेले कही सानू धोखा दे के चला गया तो असी दिल फट के बह जाते हार्ट अटैक ही हो जाता तो मतलब इन्ना मजबूत ही दिल है नहीं वो असी मालिक के बच्चे हाँ साडा दिल इन्ना मजबूत होना चाहिए है कि साडे दिल से किसी का किसी हालात का कोई असर नहीं होना चाहिए क्योंकि दिल मेरे मालिक का घर है और कोई चीज़ मेरे मालिक के घर नू तोड़ नहीं सकती इन्ना मजबूत है मेरे मालिक का घर इसलिए अपने हिरदे नू अपने हार्ट नू मजबूत करो समझते हो कि नहीं किसी गल नू जल्दी दिल ते ना लाओ
समझते हो, क्योंकि जेड़ा बंदा माड़ी माड़ी गल्लां नूं दिल ते ला लैंदा फिर दुखी भी वो रहिंदा है। इसलिए ओपन हार्टड खुले दिल वाले बनना है, बनोगे कि नहीं। समझाने नूं इत्थे भी बहुत कुछ है, कई मिसाला है, पर ये थोड़ा शॉर्ट जिदा दस्सिया कि बस असीं इशारे करने आ, समझने तुसीं आप ही है। एल बारे समझ लिया, ओ बारे समझ लिया, हुण अगे आ गया एच। एच इशारा अपने बारे की करना है, हार्डी। हार्डी का मतलब होंदा है साहसी। की बनना है? साहसी बनना है, अंदरों साहसी बनना है। असीं अपने साहस नूं, अपनी हिम्मत नूं इन्ना मजबूत रखना है कि किसी तरह के हालात तो डरना नहीं है। असीं क्योंकि मैं मालिक का बच्चा हाँ, मैं किसी भी हालात तो डरदा नहीं है। ये साहस होना चाहिए साढ़े अंदर। और दूजे वास्ते की बनना है? एच की इशारा करता है अपने वास्ते हार्डी, और दूजे वास्ते हेल्पफुल। की बनना है? हेल्पफुल, के दूजे की मदद करिए, जिथे हो सके दूजे की हेल्प करिए, दूजे के काम आइए। इसलिए लोहड़ी का एच सानू ये इशारा करता है, और आर की इशारा करता है, जरा हुण गौर करना, आर इशारा करता अपने बारे रिस्पोंसिबल, कि जिम्मेदारी स्वीकार कर। क्योंकि रिस्पोंसिबिलिटी होंदी है ना, कि जिहड़ा इंसान रिस्पोंसिबल होंदा है यानी हर जिम्मेवारी नूं स्वीकार करता है, वह इंसान कामयाबी जरूर होंदा है। तो जिहड़ा जिम्मेवारियां तो दौड़ता है कि नहीं आ काम मैं नहीं करना, यह मेरी जिम्मेवारी नहीं है। यह दस दी है कि तुहानूं बड़ी प्यारी इत्थे अमीर खुसरो की गल याद आ गई सानू, कि एक दिन हजरत अमीर खुसरो उन्होंने कुछ ना अमीर मित्र व्यापारी मित्र उन्होंने मिलन आए, क्योंकि अमीर खुसरो बहुत बड़े व्यापारी भी सी, तो उन्होंने व्यापारी दोस्त मिलन आए। जदों मिलन आए तो अमीर खुसरो ने कहा चलो तुहानूं अपने मुर्शद का दीदार करा के लिया। तो कहते हजरत अमीर खुसरो अपने उन्होंने दोस्तों लैके व्यापारी साथियों लैके जदों हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार से पहुंचे, जो कि हजरत अमीर खुसरो के मुर्शद से, जदों जा रहे अंदर दरबार के अंदर दाखिल होए तो एक जगह की देखिया कि किसी कूकर ने ना किसी कुत्ते ने उत्थे थोड़ी जी गंदगी की हुई सी, जिथे दरबार के अंदर एक कुत्ते ने गंदगी की हुई सी। जदों अमीर खुसरो ने देखिया तो फटाफट दौड़ के गए और वो गंदगी साफ करन लग गए। की कर लग पे? गंदगी नूं। हालांकि एडे वड्डे अमीर और नाल उन्होंने अमीर दोस्त भी सी, व्यापारी मिलन आए सी, तो व्यापारी आए यानी अमीर खुसरो दोस्त आए, वो कहन लगे ए अमीर ए खुसरो ये तुहाडा कम तो नहीं, ये तुहाडा कम थोड़ी है, क्योंकि तुसीं तां साडे नाल आए हो, तुसीं सफाई करन लग गए, ये तुहाडा कम है नहीं, ये तो उन्होंने सेवादारां दा कम है जिहड़े इत्थे रहिंदे है। तो उस वेले अमीर खुसरो ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, पता की कहिंदे अपने व्यापारी दोस्तों नूं, वो कहिंदे ठीक है ये कम मेरा नहीं है पर यह दरबार मेरा है, यह दरबार मेरा है, मेरे मुर्शद का है, तो जिथे मैनू कोई ऐसी गंदगी नजर आएगी वह चीज़ नजर आएगी जो मेरे मुर्शद की शान दे या दरबार की शान दे खिलाफ है, उन्होंने मैं ठीक करना है, क्योंकि कम मेरा नहीं है पर मुर्शद भी मेरा तो दरबार भी। इनू कहें प्यार, हम तुम भी थोड़ा ध्यान रखिया करो, बंदा सोचे लै भी सफाई करना तो सेवादार का काम है, आ कम करना तो सेवादार का काम है, यही तो सत्संग सुन आए हैं, यही तो फरियाद कर आए हैं, तो फिर जे यही सोच के आवेंगे तो मतलब तुम सानू अपना नहीं मानते या दरबार में। और तुम भी कहो ठीक है कम मेरा नहीं है पर मालिक मेरे है, और ये दरबार भी मेरा है, तो यदि साफ सफाई का ख्याल भी, क्योंकि प्यार होंगे है, इश्क होंगे है, ये मुहब्बत होंगी है। इतों ही तो पता लगता इंसान की करनी तो कि इंसान के अंदर अपने मुर्शद का या अपने दरबार के प्रति प्यार कितना है। समझ आ गई कि नहीं? सो एल तो हो गया लर्निंग और दूजे वास्ते लविंग, ओ तो हो गया ऑप्टिमिस्टिक अपने वास्ते आशावादी, तो दूजे वास्ते ओपन हार्टड खुले दिल वाले यानी दूजे नूं खुशी देनी है, दूजे के चेहरे पर मुस्कुराहट लियानी है। चलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि तुसीं मालक दे बच्चे हो, जिदा दसिया कि मालक की चाहते हैं कि साढ़े प्यारे खुश रहन, तो तुहाडा भी यही होना चाहिए है कि असीं भी चाहते हैं सारा संसार ही खुश रहे, और ये कोशिश करनी है, क्योंकि जो करांगे तो फिर ही होएगा। और फिर अगे आ गया एल ओ एच, एच तो दसिया ना कि अपने वास्ते सासी दूजे वास्ते हेल्पफुल। फिर आर आ गया अपने वास्ते असी की करना है रिस्पोंसिबल बनना है, बोलो समझ दो कि नहीं,
कि ऐसी ये दिखना मेरिया कुछ रिस्पोंसिबिलिटियां है। बोलो समझ दो कि रिस्पोंसिबिलिटी लैनी है कि मैं कोशिश करनी है संसार नू अच्छा बनावा, सब दे चेहरे ते खुशी आवे, सब दी कोई ना कोई हेल्प करा। यानी रिस्पोंसिबिलिटी जो ऐसी स्वीकार करांगे तो फिर जरा सोचो, जो हर कोई इंसान अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालेगा ना तो फिर दुनिया कितनी अच्छी बन जाएगी। इसलिए कि जिम्मेवारियां तुसी स्वीकार कर सकते हो उहदे बारे विचार करना। और दूसरिया वास्ते रिस्पैक्टफुल की बनना है। रिस्पैक्टफुल का मतलब कहता दूजिया इज्जत देनी है, प्यार नाल बोलना है। खास करके कितने भी असी जाइए जिहड़ा सानू नहीं भी जानता ना, जदों उहदे नाल भी साडी मुलाकात होवे तो इन्नी इज्जत ना बोलो कि वह भी याद करे वाकई किसी नेक इंसान ना मुलाकात हुई सी। क्योंकि इत्थे हर कोई नेक ही तो लभदा है, लभदा है कि नहीं? हर कोई चाहता कि नहीं मैनू अच्छा दुकानदार मिले, अच्छा ड्राइवर मिले, अच्छा काम कर्मचारी मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा आ मिले, अच्छा वो मिले। हर कोई अच्छे की तलाश कर रहा है। तो जे तुसी अपने आप नू अच्छा बना लोगे तो याद करो जो तुसी अच्छे बन जाओगे तो तुहानू मिल के सब की तलाश पूरी हो जाएगी। समझ दो कि नहीं? इसलिए अच्छे बनो, रिस्पैक्ट करो सब को। और आई ते की करना है, ये बड़ा जरूरी वर्ड है। आई ते अपने वास्ते इंप्रूव, अपने आप नू हर वेले की करना है। इंप्रूव का मतलब की होंदा है पता ना, कि हर वेले अगे तो अगे अच्छा बनाना है अपने आप नू। क्योंकि हर दिन असी बहुत अच्छा हो सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर यह सोच साढ़े अंदर होनी चाहिए है। क्योंकि जिदा स्वामी विवेकानंद जी कहते ना, हर गल नू करन दा, हर काम नू करन दा एक होर भी बेहतर उपाय हुंदा है, रस्ता हुंदा है। बस ऐसी सोचना कि इस चीज़ में होर अच्छी किदा कर सकता है। बोलो समझ दो कि नहीं? इस करके इनू कहिंदे अपने आप अंदर इंप्रूवमेंट करना। जिदा तुसी देख दो मोबाइल अंदर नवे ऐप आते हैं, गड्डिया अंदर नवे फंक्शन, अपने आप इंप्रूव कर रहे हैं, ताही तो वो चलदियां हैं। फिर अगर असी भी जीवन च कामयाब होना है तो सानू अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट करनी पैनी है। करोगे कि नहीं? अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। इसलिए चेक करो कि मेरे अंदर कितने कमियां हैं, जिथे मेरे अंदर कोई कमी है उन्हें इंप्रूव करा मैं अपने अंदर। समझ दो कि नहीं? और दूजिया वास्ते की करना है? इंस्पायरिंग। की करना है? इंस्पायरिंग का मतलब पता ना की होंगे है, दूजिया प्रेरणा देनी, दूजिया हिम्मत देनी, दूजिया इंस्पायर करना कि उठ कमजोर नहीं है तू, तू शक्तिशाली है, तू कर सकता है, तेनू कामयाबी मिल सकती है, तेरे सारे दुख दूर हो सकते हैं। जो असं इदा दल करके दूजे हिम्मत देंगे ना तो दूजे अंदर वह हौसला आ जाता, फिर वह भी करने तैयार हो जाता जो करने बारे उन्हें सोचा भी नहीं होंगे। इसलिए सोचो जरा कि असी जिंदगी दूजे इंस्पायर करते हैं, कि असी दूजे हिम्मत देंगे, कि असी दूजे हौसला देंगे, कि दूजे असी इदा के बचन बोलते हैं कि अगले की हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी हो गई। जो असी दूजे गल् उदनिया करते हैं फिर कि वह भी सानू चाह की मलाई मलाई वर्गा ही समझे कि भाई इन पिछे ही करो ताकि जीवन का आनंद लेना है। सो आप चाह की मलाई ना बनो, बोलो कि समझ दो कि नहीं, बल्कि दूजे इदा के बचन बोलो कि दूजे के जीवन का आनंद, दूजे जीवन की हिम्मत, दूजे के जीवन का हौसला कई गुणा बढ़ जाए। और यह फिर ही होएगा अगर तुम खुद अपने रब से अपने मालिक से विश्वास करना सीखो, अगर खुद यकीन करना सीखो। बोलो समझ दो कि नहीं? जिदा असी तुहानू पता ना योजना क्यों कहें, क्योंकि साड़ी अखा च देखो, साढ़े फेस से देखो, क्योंकि सानू यकीन है असी रहमतों देखिया है, नामुमकिन मुमकिन होंदे देखिया है, असंभव नू संभव होंदे देखिया है, जो नहीं हो सकता वह भी असी होंदे देखिया है। और बचपन के विच सारे जीवन पता ही है कि एक टाइम आया सी कि जदों साडी जान भी निकल गई सी, और दोबारा ये मुर्दे नू जींदा होंदे देखिया है, तुहाडे सामने बैठे हैं। इहनू कहिंदे कि नामुमकिन भी मुमकिन होंदा जो तुहाडा प्रेम तुहाडा विश्वास सच्चा होवे। इसलिए हुण आखरले वचना च असीं यही कहना है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, और फिर कहांगे कि प्रसाद लैके जाना सारिया ने, क्योंकि लोहड़ी है, रहमत है मालिक दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटिया शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।